हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू अनादर मिनी व्लॉग, अनादर बोरिंग डे इन माई लाइफ। तो अभी दोपहर के 4 बज रहे, मैं जा रही हूँ स्टेशन और आज मम्मी पापा नेपाल से बैक कर रहे हैं, तो इसलिए उनसे फिर से मिलने जा रही हूँ। मुझे बस एक्चुअली चांस चाहिए उनसे मिलने का, तो मैं एक भी मौका नहीं छोड़ती। तो स्टेशन पे हूँ, उनके लिए लंच वगैरह पैक करके लाई थी और अभी उनके लिए ही वेट कर रही हूँ। तो जनरली उनसे मिलने के बाद ना मैं वीडियो नहीं बनाती, बिकॉज़ मुझे वो टाइम अच्छे से मतलब स्पेंड करना होता है, तो इसलिए एकदम थोड़ा सा स्नैप लेती हूँ मैं। उसके बाद हम बात करते रहते बहुत देर तक। तो उनसे मिल विल के आई, उनके लिए खाना वाना सब लेके गई थी, रात के लिए भी कुछ लेके गई थी। फिर वापस चली आई मैं हॉस्टल, और आते वक्त अंधेरा हो गया था। और गुवाहाटी शाम से ना बहुत सुंदर दिखता है, मतलब लिटरली बोलो हमें तो निकलने नहीं देते 5 बजे के बाद हॉस्टल से, बट जब भी मौका मिले ना तो मैं ऐसे सारी चीज़ें कैप्चर कर लेती हूँ जो भी मुझे अच्छा दिखता हो। राधर प्रेम मातुवरा चाँद गोरा मर राधर प्रेम मातुवरा। फिर नेक्स्ट डे मैं गई कॉलेज क्योंकि एग्ज़ाम था, एंड आई होप मेरा गाना आपको अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मैं अपना थोबरा गाने के वक्त दिखाऊँ। फिर एग्ज़ाम देने के बाद हॉस्टल आई, बनाया मैंने मैगी अच्छे से, एंड एकदम तीखी वाली मैगी। इसका मैंने थोड़ा डिफरेंट वे में बनाया है, वो भी मैं दिखाऊंगी। फिर एक पार्सल भी आया था उस दिन, तो उसको भी मैंने अनपैक किया। पार्सल यहाँ पे मैं एक बुक मैंने ऑर्डर किया था विच वॉज़ रिटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर, मतलब जो स्टोरी है, इस स्टोरी के ऊपर बहुत सारी फिल्म एंड सीरियल्स भी बने थे, तो बहुत लोगों को पता भी होगा। एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड तो आप ले सकते हो। प्राइस भी इसका ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय बाय।